माइसेल डॉक्टर राजेश शर्मा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट वीडियो, तो सबसे पहले मैं आज आपके सामने स्टार्च की प्रोसेसिंग के लिए ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले आपको मैं स्टार्च का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा जो स्टार्च होता है, दे आर कंप्राइज ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज यूनिट्स, जैसे ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1,4 बॉन्ड। ये भी क्या? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ये भी इसके साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी इसके साथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बेटा जो ग्लूकोज की जो लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए, ये जो लीनियर जो चेन है ग्लूकोज की, ये ग्लूकोज की जो लीनियर चेन है, इस लीनियर चेन को हम क्या बोलते हैं? अमाइलोस। क्या बोलते हैं बेटा? अमाइलोस बोलते हैं, ठीक है ना। ये ग्लूकोज की जो लीनियर चेन है आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइलोस बोलते हैं। अब ग्लूकोज देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज में ये 1 कार्बन है, ये ग्लूकोज में सॉरी 6 कार्बन है, ये इस ग्लूकोज के 1 कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है, यहाँ पे ग्लूकोज के 1 कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं आपको डायग्राम में इसको बनाता हूँ। जैसे देखिए, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की जो चेन बन रही है बेटा, इसको बोलते हैं अमाइलोस। क्या बोलते हैं? अमाइलोस बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं ब्रांचिंग कर दूंगा ग्लूकोज की, ऐसे ये देखिए, ये ग्लूकोज की ब्रांचिंग, तो ये जो आप ये जो बॉन्ड देख रहे हैं बेटा, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो स्टेट चेन को आपने बोलना है अमाइलोस, स्टेट चेन को बोलना है अमाइलोस। और ये जो ब्रांचिंग हो रही है यहां पे, इसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं बेटा? अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो स्टेट चेन को आप बोलेंगे अमाइलोस और इसको बोलेंगे अमाइलोपेक्टिन। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर दोनों का मैं कंबाइन करता हूं, ऐसे देखिए एक बार फिर से, अगर ऐसे, ये तो आपको पता है ये अमाइलोस हो गया और ये क्या बन गया? अमाइलोपेक्टिन। दोनों को कंप्राइज करते हैं तो स्टार्च का मतलब क्या है? व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च का मतलब है अमाइलोस प्लस अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च का मतलब क्या होता है बेटा? अमाइलोस प्लस अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोस क्या होता है? स्टेट चेन, लीनियर चेन। अमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच चेन। तो देखिए बेसिकली ये आपको स्ट्रक्चर में हमने ये बताया हुआ है कि ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो स्टेट चेन आपके पास अमाइलोस है और जो ब्रांचिंग है अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। अब ये जो बेटा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो एंजाइम्स काम कर रही है, हमने क्या करना है? हमने स्टार्च से क्या बनाना है? हमने बनाना है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाना है। क्या बनाना है? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बनाना बेटा। तो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की जो प्रोसेसिंग है वो हमारी कहां से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्च। तो ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल है, इसमें हमने एक एंजाइम डाली है अमाइलो ग्लूकोसिडेज। क्या डाली है? अमाइलो ग्लूकोसिडेज। अमाइलो ग्लूकोसिडेज क्या करती है? ये अल्फा 1,6 बॉन्ड को ब्रेक करती है। क्या करती है? ये अल्फा 1,6 बॉन्ड को ब्रेक करती है। और एक हमने डाली है अल्फा अमाइलेज। क्या डाली है? अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज क्या करती है? ये जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ग्लूकोज के, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ग्लूकोज, इसको क्या करती है? ये ब्रेक करती है। मेरी बात ध्यान से समझिए बेटा, स्टार्च में आपने दो एंजाइम डाली है, आपने अल्फा अमाइलेज जो कि लीनियर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की चेन को ब्रेक करेंगे, और अमाइलो ग्लूकोसाइडेज जो ब्रांचिंग वाली ग्लूकोज की पॉलीमर की चेन को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। एट द एंड अगर आप स्टार्च में अल्फा अमाइलेज और अमाइलो ग्लूकोसाइडेज डालेंगे तो एट द एंड ये सारे बॉन्ड आपके क्या होने शुरू होंगे? ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे एंड यू विल गेट लास्ट द ग्लूकोज स्ट्रक्चर। हो सकता है ग्लूकोज से पहले आपके पास कुछ स्मॉल ओलिगोसैकेराइड भी बन सकते हैं, बट ओलिगोसैकेराइड के बाद एट लास्ट यू विल गेट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्च प्रोसेसिंग एंड द कन्वर्जन टू द ग्लूकोज पॉलीमर। अब बेटा हमारे पास जो इसका मेन जो आपका प्रोडक्शन है HFCs का, मेन प्रोडक्शन में हम आते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए
सबसे पहले क्या आया, कॉर्न स्टार्च आया। कॉर्न स्टार्च किसका बना हुआ है, मैंने बताया अभी आपको, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन का। इसमें आपने क्या डाल दिया, अल्फा बीटा अमाइलेज, क्या डाल दिया आपने, अल्फा बीटा अमाइलेज आपने क्या डाल दिया, केमिकल्स डाल दिए, ठीक है। उस केमिकल्स ने अल्फा बीटा अमाइलेज ने क्या करना है, आपके अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन को ब्रेक करना है। इसमें ब्रेक करेगा स्मॉल चेन्स में, माल्टोडेक्सट्रिन, स्मॉल ग्लूकोज की चेन और थोड़ी सी बड़ी सी चेन पॉलीसेक्राइड, स्मॉल पॉलीसेक्राइड को क्या बोलते हैं, डेक्सट्रिन बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि स्टार्च की जो बहुत बड़ी चेन है उसको वो स्मॉल चेन्स में कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ डेक्सट्रिन एंड माल्टोडेक्सट्रिन। अब उसमें क्या करेंगे आप, हीट केमिकल और क्या डालेंगे, ग्लूकोअमाइलेज एंजाइम डालेंगे, क्या डालेंगे, ग्लूकोअमाइलेज, जो कि हमारी जो छोटी ग्लूकोज की चेन्स है उसको भी क्या करेगा, ब्रेक करेगा। किसमें ब्रेक करेगा, ग्लूकोज सिरप में। किसमें ब्रेक करेगा, ग्लूको सिरप, कौन सिरप में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज बन चुका है, अब इस ग्लूकोज में आपने क्या डाल देना है, ग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम डाल देनी है, क्या डाल देनी है, ग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम डाल देनी है। ग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगी, जो आपका ग्लूकोज होता है बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका ग्लूकोज है उसको वो किसमें कन्वर्ट कर देगी, फ्रक्टोज में। आपके ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगी बेटा, फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगी ये ग्लूको आइसोमेरेज। उसके बाद हमारे पास मेनली फ्रक्टोज होता है, हमारे पास क्या बन जाता है, HFCS90। इसका मतलब है इसमें बेटा 90% हमारे पास क्या है, 90% इसमें हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है। HFCS का मतलब है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, 90 का मतलब है इसमें आपके पास 90% फ्रक्टोज है, 10% क्या है, ग्लूकोज है। तो उसके बाद आप इसमें ग्लूकोज की ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ग्लूकोज की क्या कर सकते हैं, ब्लेंडिंग। जब इसमें ग्लूकोज आप ऐड, जैसे मान लीजिए आपने HFCS 55 बनाना है, तो आप इसमें तो इसमें आपके पास 55% क्या होगा, फ्रक्टोज, और बाकी का परसेंट क्या होगा आपके पास, ग्लूकोज। तो बेस सबसे पहले आपके पास 90% हाई फ्रक्टोज कौन से बनेगा, तो उसमें ग्लूकोज की ब्लेंडिंग करके आप इसको HFCS 55 और 42 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बेटा इट इज हाउ दैट HFCS आर फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं इसके बाद। तो ये आपको मैंने बताया था कि लास्ट में, जैसे आप देख रहे हैं यहां पे हमारे पास एट लास्ट ग्लूकोज बना था। लास्ट स्टेप में आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास पहले स्टार्च था, स्टार्च में आपने अल्फा बीटा अमाइलेज एंजाइम डाली थी, ठीक है, अमाइलो ग्लूकोसिडेज डाली थी, और उसने आपको इसमें बेसिकली डेक्सट्रिन्स में पॉलीसेक्राइड्स और माल्टोडेक्सट्रिन्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपने फिर से एंजाइम डाली, वो एंजाइम ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज सिरप में। अब ग्लूकोज सिरप में आपने फिर कौन सी एंजाइम डालनी है, ग्लूको आइसोमेरेज। कौन सी एंजाइम डालनी है आपने, ग्लूको आइसोमेरेज। इसके बाद आप डालेंगे ग्लूको आइसोमेरेज। अब वो ग्लूकोज सिरप को किसमें कन्वर्ट कर देगी, फ्रक्टोज में। तो यहां पे फ्रक्टोज कन्वर्ट हो गया। फ्रक्टोज में आपके पास कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, और ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो जो ये फ्रक्टोज है, अभी जो फ्रक्टोज बन चुका है, ठीक है, तो जो फ्रक्टोज के साथ ग्लूकोज के ब्लेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे पास हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की क्या क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले आपके पास आता है HFCS 42। जैसे कि 42 दिया हुआ है, 42 का मतलब इसमें 42% क्या है, फ्रक्टोज है। 42% क्या है, फ्रक्टोज है, और बाकी वाला क्या है, ग्लूकोज है। 42% फ्रक्टोज और 58% ग्लूकोज। तो जो भी यहां पे लिखा होगा 42 55 55 का मतलब 55% क्या है, फ्रक्टोज है। अगर यहां पे 90 लिखा तो 90% क्या है, फ्रक्टोज। तो बाकी का जो 100% होगा वो क्या करेंगे, आप माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। 55% फ्रक्टोज है, बाकी -100 में से 45% क्या है, ग्लूकोज रह गया। तो HFCS 42 कहां यूज होता है बेटा, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में। HFCS 55 कहां यूज होता है, प्रोसेस्ड फूड में यूज होता है। 90 कहां यूज होता है, ब्लेंडेड विद। ये जो 90 है आपका स्टार्टिंग वाला मटेरियल है, ये बेसिकली HFCS 90 से ही आपके पास क्या बनता है, HFCS 55, और यहां से क्या बनता है, HFCS 42। तो 90 में आप ग्लूकोज की ब्लेंडिंग करके आप इसको 55 तक लेके आ सकते हैं और 42 तक लेके आ सकते हैं। तो ये था आपके पास HFCS का फॉर्मेशन, उसका टाइप्स और इसके प्रोसेसिंग फ्रॉम द स्टार्च। अब
व्हाई डू मैन्युफैक्चरर यूज इट, मैन्युफैक्चरर इसमें क्यों यूज करता है, एचसीएस को यूज क्यों करता है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है हाई, ग्राइंडिंग एंड प्रोवाइड ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द सुक्रोज, सुक्रोज से ज्यादा क्या रहता है ये प्रोडक्ट को, आपके फ्रूट प्रोडक्ट को क्या प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। विच फ्रूट प्रोडक्ट यूज एचएफसीएस, जितने भी आपके बे गुड्स हैं, योगर्ट, ठीक है, फिर सॉस, केचप्स, सैलड्स, बेवरेजेस, ब्रेकफास्ट, सीरियल बार्स, कैन, फ्रोजन फूड्स, ऑल दे कंटेन द एचएफसीएस, क्लियर। सो विद दिस आई एम कम टू एंड बेसिकली टू द एचएफसीएस, तो एचएफसीएस के बारे में हमने आज आपको क्या बताया, एचएफसीएस क्या होते हैं, कैसे इनको स्टार से फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो मेन इसमें कौन कौन सी एंजाइम यूज कर सकते हैं, तो थैंक यू फॉर टुडे बेटा।